डे फेस्ट के अंदर बिल्कुल भी होल्ड कर गए सिर्फ डे फोर्थ में पैरों को ऊपर भी नहीं उठा पा रहे हैं और डे सेवेंथ के अंदर ही इन्होंने रस्से पे चढ़ना स्टार्ट कर दिया है इस तरह आप भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं आगे भी आप एग्जाम्पल कंटिन्यू देखते रहिए जैसे कि ये स्टूडेंट है अब इनको भी आप डे फेस्ट में देखोगे तो बिल्कुल भी ये सिर्फ लटक के रह रहे हैं और डे फोर्थ में पैरों को बार बार उठा रहे हैं बार बार गेर रहे हैं लेकिन डे सेवंथ के अंदर इन्होंने भी कैंची बनाना स्टार्ट कर दिया देखो पैर को इस तरह से करके तो रस्से का इवेंट बहुत हीजी इवेंट है इसको कोई भी स्टूडेंट सेवन डेज के अंदर भी आराम से प्रिपरेशन कर सकता है और ये नेक्स्ट स्टूडेंट आप जैसे देख रहे हैं ये स्टार्टिंग में अपनी स्टैंड डेवलप कर रहे हैं और डे फोर्थ में ये आराम से कैंची बनाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने और आपने अगर दो स्टेप भी अगर रस्से में ले लिया ना तो ये आप आराम से कर सकते हैं अब नेक्स्ट स्टूडेंट को देखिएगा इनकी वैसे पहले से स्ट्रेंथ अच्छी थी लेकिन इतना हैवी वेट होने के बाद भी आप देखिए कि आराम से रस्से पर चढ़ रहे हैं तो वेट मायने नहीं रखता सिर्फ आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए रस्से के लिए और आप सभी स्टूडेंट्स ये जो ट्रिक्स है इन ट्रिक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नीचे आपको लिंक दिया हुआ है उसके अंदर आप जाके स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकेंड एंड स्टेप थर्ड से मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं तो उन सभी वीडियोज़ को अगर आप कंटिन्यू देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये इवेंट बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा रस्से के लिए किसी भी स्टूडेंट को परेशान होने की जरूरत नहीं है और ये इससे इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्टैंड डेवलप नहीं होती और सीधे काफ़ी ज़्यादा हाइट पर पहुँच जाते हैं और दोबारा नीचे आने की हिम्मत नहीं होती और हाथ छूटने का डर रहता है तो इसका सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखें आप सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि चाहे कोई भी इवेंट हो चाहे लॉन्ग जंप का हो चाहे रस्से का हो और चाहे रनिंग का आप स्टार्टिंग के अंदर ही उस इवेंट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं जबकि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पहले आप स्टेंट डेवलप करें अपने खुद की चाहे पेट की हो चाहे थाइज की हो चाहे आपके शोल्डर्स की या हैंड्स की हो और उसके बाद ही आप इवेंट्स करें इससे आप इंजरीज से भी बच पाते हैं आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है अगर आप सभी स्टूडेंट ने, किसी ना ने, किसी तरह से मेरे फिजिकल से आप सभी स्टूडेंट्स को अगर फिजिकल में फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ इतना उसका वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आप सभी स्टूडेंट्स का फिजिकल जी चैनल पर आने के लिए धन्यवाद